गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं एवं स्वस्थ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था मेंटल हेल्थ का टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इस टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस टॉपिक में दो हैं, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं और साथ में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। इन दोनों के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ये होता है कि हम जो मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं हैं उन्हीं को ही हम स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में बता देते हैं, या हमारे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम इन दोनों की विशेषताओं में कोई अंतर ना करते हुए हम इनका आंसर में मिस्टेक करते हैं। तो इन दोनों की विशेषताओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं क्या होती हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। हम जानते हैं मेंटल हेल्थ यानी कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, उस स्वस्थ रहने की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इस तरीके से हम इसका एक पहलू देखेंगे। और एक दूसरा पहलू हम ये देखेंगे कि जहां मानसिक स्वास्थ्य के प्रकार के बारे में जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कितने प्रकार के, तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के होते हैं मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्ति का, यानी कि प्रथम हम देखेंगे जो स्वस्थ होते हैं जो मस्तिष्क से मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, और दूसरा जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। तो उसी के बारे में हम अध्ययन यहाँ करेंगे कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जब हम दो पहलू देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का और एक अस्वस्थ व्यक्ति का, तो हम यहाँ स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। मेंटल हेल्थ का मैंने बताया था कि मेंटल हेल्थ का अर्थ क्या होता है। मेंटल हेल्थ के लिए मैंने कहा था कि मेंटल हेल्थ जो मानसिक स्वास्थ्य है वो मानवीय व्यक्ति की एक क्रियाशीलता की स्थिति होती है, यानी कि जिस तरीके से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा उसी तरीके से वो क्रिया करेगा, ये मेंटल हेल्थ होती है। यानी कि हमें हमारे मस्तिष्क से कैसा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। हम जितने स्वस्थ रहेंगे हम उसी तरीके का कार्य करेंगे। हमने देखा है कि जब व्यक्ति अस्वस्थ यानी जब मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, हम उसे पागल की संज्ञा जब हम दे देते हैं, तो हम देखते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के कार्य करने में और एक अस्वस्थ मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसके काम करने में उसकी क्रिया करने में कितना अंतर होता है। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि जिस तरीके से हमारे शरीर में हमें सारे पौष्टिक तत्व हमें जो मस्त हम कहते हैं हमारे शरीर को जहाँ स्वस्थ रहने की आवश्यकता होती है उसके लिए हम कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क जो हमारा स्वस्थ शरीर होता है उसी में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हम प्रत्येक कार्य को अच्छे से करेंगे, या हम कहें कि हम जो हम हमारा लक्ष्य है जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें स्वस्थ रहने की आवश्यकता होती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो हमारे इसके प्रतिपादक थे वो कौन थे, CW Beers, किसके, मेंटल हेल्थ के। ये क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं किसके प्रतिपादक कौन थे, प्रतिपादक मैंने बताया था CW Beers थे। कब इन्होंने इसका मेंटल हेल्थ का क्या था, 1908 में, यानी कि 1908 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था CW Beers ने। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक का नाम भी इसी के ऊपर था, मेंटल हेल्थ के ऊपर, जिसे हम कहते हैं ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ नाम से इनकी पुस्तक थी। और साथ में जो ये प्रेरित हुए, इनकी प्रेरणा जिनसे ली इन्होंने बियर्स ने, उनका नाम था एलॉट मेयर, ये इन्होंने किया। और साथ में कई बार ये क्वेश्चन भी होता है कि मेंटल स्वास्थ्य दिवस कब, मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो हम मानते हैं मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आज हम पढ़ रहे हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं और साथ में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। पहले पढ़ेंगे हम मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं कि मेंटल हेल्थ की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट है इसमें
स्वीकारात्मक स्थिति। स्वीकारात्मक स्थिति जो हम स्वीकार करते हैं, स्वीकारात्मक स्थिति होती है स्वीकार करना। अगर इसका दूसरा पहलू देखें हम तो ये आता है सकारात्मकता से संबंधित। किससे? सकारात्मकता, सकारात्मकता से, सकारात्मकता से संबंधित। यानी कि हम स्वीकार कब करते हैं? हमारे दो पहलू, मनुष्य के जो भी कार्य करने के दो पहलू होते हैं, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। हम जिस कार्य को करने के लिए हम अपने पॉजिटिव रहेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे। कई बार होता है हम देखते हैं ना कि जो कार्य हम कर सकते हैं या हम ये माने कि ये कार्य सही है, हम कहने की मनुष्य का पहलू होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक कि कौन सी चीज उसे सही रहती है लगती है। तो मानसिक स्वास्थ्य हमें उस चीज की ज्ञान करवाता है कि हमारे लिए कौन सा सही है, या हम कहें हमें उस सकारात्मकता का दर्शन उसमें करवाया जाता है कि ये हमारे लिए सही है। और जो हमारे लिए सही होता है हम उसे क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो स्वीकारात्मक स्थिति, और सकारात्मक स्थिति आती ही वही है स्वीकार करने की जहाँ सकारात्मक हो। हमने देखा है जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि उस कार्य करने की हमारी जो ललक होती है, हमारी जो इच्छा होती है, वो इच्छा भी हमारी खत्म हो जाती है। और सकारात्मकता एक ऐसा विचार होता है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, हम उसे स्वीकार करते हैं। तो ये वही चीज बताई गई है कि हम किस चीज को स्वीकार करते हैं, और हमेशा स्वीकार हम उसी चीज को करते हैं जिसके प्रति हम पॉजिटिव होते हैं, जहां हमारे विचार हम सकारात्मकता के रखते हैं। तो ये बताई गई है इसका फर्स्ट मानसिक स्वास्थ्य का कि हमारी सकारात्मकता की स्थिति स्वीकार करना, जहां हमारी सकारात्मक स्थिति हमें बताती है कि हमें इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। सेकंड है हमारी गतिशील अवधारणा। गतिशील अवधारणा को हम मानते हैं गति करना यानी चलना, और चलते कब है? जब उसमें परिवर्तन आता है। तो दूसरा इसका जो गतिशील अवधारणा है वो होती है बदलते रहना, बदलते रहना, या हम इसे कह सकते हैं परिवर्तन, परिवर्तन। क्योंकि जब गति करते हैं हम, चलते हैं हम, तो कब? जब उसमें परिवर्तन होता है। हम आज की शिक्षा में ही देखते हैं, जहां हमारे प्राचीन रूप से जो शिक्षाएं थी उसे शिक्षा का गतिशील रूप है आज की शिक्षा, यानी कि बदलता हुआ स्वरूप। किस तरीके से प्राचीन से आज आधुनिक वर्तमान स्थिति में हमारी शिक्षा, जहां पहले केवल एक शिक्षित करने के लिए एक उसका उद्देश्य था, लेकिन आज हम शिक्षित होने के साथ साथ ये हमारे एक आजीविका का साधन बनी, हमें एक इससे हमारे आजीविका के जो हम साधन लेते हैं, व्यवसाय हम करते हैं, साथ में हम इसे हमारी जो नौकरी प्राप्त करते हैं, ये अनेकों कार्य हम करते हैं। तो ये कौन सा हुआ हमारा शिक्षा का बदलता हुआ स्वरूप? तो इसमें वही बताइए कि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही है तो हम हर चीज को गतिशील बना सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो वो ही उसका मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता होती है गतिशील अवधारणा, यानी कि परिवर्तन करते रहना। थर्ड आता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित, जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हम जब शारीरिक रूप से जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। हम देखते हैं कार्य करने की रुचि कब जागृत होती है? जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। हमारे दिमाग, अगर हमने देखा है कि अगर हमारे एक सर में भी अगर हमारे दर्द होता है तो हम एक कार्य करने की इच्छा जागृत खत्म हो जाती है। तो अगर व्यक्ति को कार्य करना रहता है तो उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम स्वयं अगर स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रहेगा। तो शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखना ये भी हमारी मेंटल हेल्थ की विशेषता होती है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ हमारे जो नेगेटिविटी विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं तो हम सही रहते हुए भी हम हमारा अस्वस्थ रहते हैं। तो ये क्यों आता है? अगर हम मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं है, किसी चीज को हम ये माने कि हम किसी चीज को ये मानने की सोचे कि हम बीमार हैं,
तो हमारा वो एक पॉजिटिव हमारे दिमाग में रह जाता है। तो यही चीज बताइए, हमें मानसिक हेल्थ जो हमारी मेंटल हेल्थ की विशेषता है कि स्वस्थ रहना है, तो हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना होगा। फिर आता है हमारा नैतिक स्तर से भिन्न। नैतिकता, हम देखिए मेंटल हेल्थ ये हमारा मानसिक स्वरूप है, मानसिक स्वास्थ्य है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो नैतिकता के विचार होते हैं, नैतिकता के जो गुण होते हैं, उनकी विशेषताएं, उनके बारे में यहाँ बताया गया कि हम देखिए दया, प्रेम, करुणा, ये सब जो हमारे नैतिक गुण होते हैं, ये इनसे हमारा मेंटल हेल्थ भिन्न होता है। क्योंकि यहाँ हम कहाँ से दिमाग से सोचते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ से सोचते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ जो उसकी विशेषता होती है वो नैतिक स्तर से भिन्न होती है। यहाँ वो प्रत्येक कार्य जो करते हैं वो अपने नैतिकता के गुणों को साइड में रखते हुए उनसे भिन्न अलग वो कार्य करते हैं, यानी कि किस तरीके से उन्हें वो कार्य करना है। फिर आता है सामाजिकता से भिन्न, यानी कि यहाँ हम कहेंगे मेंटल हेल्थ जो होती है एक व्यवहारिक तक से भिन्न होती है, हमें व्यवहारिक शिक्षा से अलग ये हमें शिक्षा देती है, यानी कि जो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, स्वयं के लिए जो हमारे लिए सही होती है, यहाँ समाज नहीं, यहाँ व्यक्ति के मेंटल हेल्थ यानी कि उसके स्वयं के मानसिक स्तर पर उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो ये किससे भिन्न होती है, सामाजिकता से भिन्न होती है। जहाँ हम सामाजिकता से जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पर सभी को ध्यान में रखते हुए, समाज में, परिवार से, विद्यालय से, सभी को जोड़ते हुए हमें कार्य करना है। लेकिन मेंटल हेल्थ हमें सामाजिकता से अलग करती है। यहाँ हम व्यक्ति के स्वयं के जो उनके खुद के शारीरिक जो मानसिक स्वास्थ्य जो उनके लिए खुद के लिए सही होता है वो कार्य हम यहाँ करते हैं। फिर आता है कार्य कुशलता से सीधा संबंध। मेंटल हेल्थ का जो सीधा कनेक्शन होता है वो होता है हमारे कार्य करने की क्षमता, यानी कि वो व्यक्ति को और अच्छे से कार्य करना, किस तरीके से उस कार्य को बेहतर बनाना है, किस तरीके से उस कार्य को अच्छा करना है, ये हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य यानी कि एक जब हम मेंटल हेल्थ यानी हम मस्तिष्क से जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे कार्य करने में भी, हमारी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें भी परिवर्तन आएगा। परिवर्तन में उसमें हम कुशलता ला पाएंगे, उस कार्य को हम और अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ हमारे कार्य कुशलता से सीधा संबंध होता है मेंटल हेल्थ का, कि किस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, कार्य को और कितना अच्छा बना रहे हैं, ये हमारी कार्य कुशलता से हमारा सीधा संबंध रखता है। तो ये हमारी मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं थी। अब हम करेंगे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। मैंने बताया था आपको कि ये एक तरह से प्रकार में आ जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ तो होता है, लेकिन मेंटल हेल्थ के मेंटल हेल्थ से व्यक्तियों के दो प्रकार होते हैं, एक तो स्वस्थ और अस्वस्थ। अब हम यहाँ पहले स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला, अगर जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा व्यक्ति वो कैसा होगा, आत्मविश्वासी, उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। और क्या करेंगे वो, जब हम आत्मविश्वासी हैं तो हम क्या करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, यानी कि सफलता प्राप्त कर सकते हैं इंसान को। हमने कहते हैं कि जब इंसान को कार्य करना होता है, कोई भी कार्य अगर इंसान को करना है तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या जागृत करना होता है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जिस कार्य के प्रति अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत होता है तो हम उस कार्य को करने में सफल हो जाते हैं, और जिस उद्देश्य को हम लेकर चलते हैं वो हम उस सफलता की ओर हम अग्रसित हो जाते हैं। यानी कि हमें सफलता दिलाने में हमारी मेंटल हेल्थ कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के द्वारा ही हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। तो इसमें बताया कि स्वस्थ व्यक्ति की जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके सर्वप्रथम वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी कि आत्मविश्वासी होते हैं। उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए उनके अंदर आत्मविश्वास होता है। सेकंड होता है सहनशील, यानी कि हमारे पास, हम जिस जीवन में रहते हैं, मनुष्य जिस सामाजिक प्राणी है, हमारे जीवन में अनेकों हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हमें उन परिस्थितियों को भी या हम कह सके कि हमें हर परिस्थितियों में
उन परिस्थितियों का हमको सामना करना होता है, यानी कि हमें सहन करना होता है। प्रत्येक हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जहां मनुष्य को सभी चीजें सहन करनी होती हैं, यानी कि जहां हमें अच्छाइयां मिलती हैं साथ में हमें बुराइयां मिलती है। तो हमें एक स्वस्थ व्यक्ति उन सब अच्छाइयों और बुराइयों, जहां हम अच्छाई से प्रेरित होते हैं, लेकिन अगर मानसिक रूप से हम स्वस्थ है तो हमें उन बुराइयों को भी हमें सहन करना होगा। तो हम उसमें क्या करते हैं, हमें एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता में वो हमें क्या बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं, यानी कि हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थितियों का हमें सामना करना, उसे सहन करना भी हम इस मेंटल हेल्थ के द्वारा सीखते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति कैसा होगा, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वो सहनशील भी होगा, वो निराशाओं को सहन करने की योग्यता रखेगा। निराशाओं को सहन करने की वो योग्यता रखेगा। कहना ना कि हम आशाएं तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हमने बहुत मेहनत की है लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, वहां व्यक्ति निराश बन जाता है। लेकिन अगर एक स्वस्थ मानसिक रूप से हम स्वस्थ होंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, हम उस निराशा की स्थिति को भी हम सहन कर लेंगे। तो इसमें तीसरा पॉइंट हो गया हमारा सहनशीलता का। फिर आता है संवेगात्मक रूप से परिपक्व करता है, जो हमारे संवेग होते हैं, हम देखें कि हमें कभी गुस्सा भी आता है, हम देखें कि कभी हम जो हमारे विभिन्न हमारे संवेग होते हैं, हमारे मनुष्य के विभिन्न संवेग आ जाए, क्रोध आ जाता है, लालच आ जाता है, लोभ, ईर्ष्या, इन सभी संवेगों पर हमें नियंत्रण करना भी सिखाता है। संवेगों पर नियंत्रण करना हमें सिखाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने सभी संवेगों पर कंट्रोल रखता है, काबू रखते हैं, वो अपने क्रोध पर भी रखते हैं कंट्रोल। कई बार हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहां हमें एक गुस्सा, जहां हमें कहते ना हमें गुस्सा हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमें वहां पर उसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो इन विभिन्न जो हमारे व्यक्ति के जो संवेग होते हैं उन संवेगों पर हमें नियंत्रण करना भी सिखाता है। फिर आता है निश्चित जीवन दर्शन, जो हमारे जीवन के दर्शन होते हैं, कर्तव्य और जो हमारे उत्तरदायित्व होते हैं उनकी हम अवहेलना नहीं करते। जीवन दर्शन में आ गया हमारा कर्तव्य व उत्तरदायित्वों का अवहेलना नहीं करते, हम अवहेलना नहीं करते, ये हमारे जीवन दर्शन होते हैं। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वस्थ व्यक्ति कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेगा, साथ में जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके उत्तरदायित्व है, उन सभी की वो कभी भी अवहेलना नहीं करेंगे, वो अपने प्रत्येक कर्तव्यों का पालन करेंगे। और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो समाज के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, या अपने परिवार के प्रति हो, यानी कि वो समाज, राष्ट्र, परिवार सभी के अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अपने उनके जो एक निश्चित जीवन दर्शन होते हैं उनको वो पूरा करते हैं। फिर आता है हमारा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना, यानी कि कई बार जो हमारे जीवन में हमारे साथ जो परिस्थितियां आती हैं, चाहे हम उसे कह दें कि हमारे संघर्ष करने की योग्यता, प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं संघर्ष, हमारे जीवन में मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसके सामने विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, तो इंसान क्या करता है, उन प्रतिकूल परिस्थितियों का, उन संघर्षों का वो सामना करते हुए और आगे बढ़ता है। अगर हम स्वस्थ होंगे मानसिक रूप से तो हमारे सामने आयु ही उन सभी परिस्थितियों का, उन सभी संघर्षों का हम सामना करते जाते हैं। हम देखते हैं समाज में रहते हैं, हमारे सामने कभी सामाजिक परिस्थिति भी आती है, कभी पारिवारिक भी आती है, कभी हमारी आर्थिक भी आती है, ये सभी हमारी जो विभिन्न परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हम उनसे समायोजन करते हुए और
हम आगे चलते रहते हैं। तो ये हमारे एक स्वस्थ व्यक्ति की, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक पहचान होती है कि किस तरीके से वो अपने विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए और अपना आगे कार्य करते रहते हैं। यानी कि हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता भी हमें ये बताते कि किस तरीके से हम उस योग्यता, उस क्षमता को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आता है हमारा आत्मसम्मान व आत्म मूल्यांकन की योग्यता। यानी कि यहाँ हमारे स्वयं के गुण और दोष, क्योंकि जब हम हमारे स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तो ये हमारा एक कहते ना, हमेशा हमेशा ये चीज होती है कि हर प्रत्येक वस्तु हो या मनुष्य हो या कोई भी चीज हो, उसमें गुण तो होते ही हैं, साथ में हमेशा दोष भी पाए जाते हैं। तो हम जब आत्म मूल्यांकन करेंगे तो चाहे कितने ही अच्छे व्यक्ति हो, चाहे कितनी ही अच्छी वस्तु हो, जिसके कितने ही प्रॉफिट हो, कितने ही उसमें गुण हो, लेकिन गुण के साथ उसके अंदर एक दोष तो जरूर पाया जाता है। तो ये हमें आत्म सम्मान करने की क्षमता भी डेवलप करते हैं और हमारे आत्म मूल्यांकन की भी, अर्थात हम हमारे अंदर स्वयं के अंदर हमें पहचान करने की क्षमता रखते हैं कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं और कौन से दोष हैं। हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं कि किस तरीके से हमारे अंदर कौन से गुण हैं, हम कौन सा कार्य अच्छा करते हैं और कौन सा नहीं। तो ये हमें हमारे गुण व दोष दोनों की हमें व्याख्या बताते हैं। फिर आता है यथार्थवादी, यानी कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं व्यक्ति, वो कल्पना जो हम सोचते हैं, अगर हमने कहते नहीं वैसे तो ये कल्पनाशील नहीं होते, अगर इन्होंने कल्पनाशील बनाई है, कल्पना भी बनाई है, तो उसको यथार्थ करते हैं, यानी कि उसको सत्यता प्रदान करते हैं। तो ये कल्पनाशील ना होकर ये यथार्थवादी होते हैं, अर्थात जो जीवन में हमें सत्यता यानी कि जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी के लिए हम कार्य करते हैं, केवल हम मस्तिष्क में योजना बनाकर या कल्पना बनाकर दूर नहीं होते, यानी कि उसे हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उतारने की कोशिश करते हैं। तो कैसे होते हैं ये यथार्थवादी। फिर आता है व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना। हमने ऊपर भी देखा था कि जो मेंटल हेल्थ की विशेषता है वो नैतिकता स्तर से भिन्न होती है और सामाजिकता से भिन्न है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्यक्ति स्वयं की उनकी क्या होती है कि किस तरीके से उन्हें सुरक्षा मिले, वो अपने स्वयं की सुरक्षा की भावना रखते हैं कि किस तरीके से हम सुरक्षित हैं, चाहे वो हम आर्थिक रूप से सुरक्षित माने, पारिवारिक रूप से, यानी वो स्वयं की सुरक्षा पर डिपेंड है कि किस तरीके से हमारे अंदर हम वो स्वयं के लिए करना चाहते हैं। यहाँ जो कार्य करते हैं वो स्वयं के लिए करते हैं, मानसिक यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, स्वयं को वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आत्मबोध, यानी कि स्वयं की पहचान, यानी कि व्यक्ति किस रूप में अपनी पहचान करवा सकते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य अपना या तो हम अच्छा कार्य करके हमारी पहचान अच्छी बना सकते हैं या हम गलत कार्य करके हमारी पहचान गलत बना सकते हैं। तो यहाँ हमें मानसिक जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो हमें आत्मबोध करना सिखाते हैं कि किस तरीके से हम हमारा प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर आता है व्यवसाय से संतुष्टि की क्षमता। मेंटल स्वस्थ व्यक्ति सबसे पहले जो अपना व्यवसाय चुनता है उसके प्रति हमें संतुष्टि भी प्रदान करते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका हमने व्यवसाय बनाया है, उसके प्रति हमें संतुष्टि प्रदान करते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं उस कार्य से। ये हमें मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक, हम स्वस्थ व्यक्ति ही इस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर है सामाजिक व मानसिक रूप से समायोजन, यानी कि समाज से भी और हमारे मस्तिष्क से, इन दोनों में समायोजन करना, परस्पर संतुलन बनाया रखना भी हमें मेंटल हेल्थ के द्वारा सीखते हैं। फिर है व्यवहार में लचीलापन, यानी कि हमें समय आने पर व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, यानी कि उसमें अंदर लचीलापन होना चाहिए कि समय के अनुसार वो बदलता रहे। स्पष्ट जीवन लक्ष्य, यानी कि उनका अपना एक जीवन का स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि उन्हें वो लक्ष्य की प्राप्ति हो, वो अपने लक्ष्य को बदलते ना रहे या हम कहें कि उसमें भटके ना। तो जब तक हम हमारे लक्ष्य का एक हमारा टारगेट रहता है कि हमें किस तरीके से हमें कहाँ जाना है, तो हमारा वो स्पष्ट होना चाहिए कि हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और सुरक्षा का भाव कि हम
रहते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इसमें मैंने आपको दोनों चीज बताई है कि मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं क्या है और साथ में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इनसे में से हमसे यानी कि फर्स्ट ग्रेड में भी, हमारे एग्जिट के सिलेबस में भी है, इसमें से हमसे डेफिनेटली हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेंटल हेल्थ का। इसके जो कारक हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और भी हमारे मेंटल हेल्थ के जो पार्ट है उसके विभिन्न जो तत्व हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से हमसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, या हमें दो विशेषताएं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की दे दें और दो विशेषताएं मानसिक स्वास्थ्य की दे दें, तो हमें इन दोनों में से हमें अपना ऑप्शन चुनना होता है। इसीलिए ये दोनों विशेषताएं, दोनों की विशेषताओं को हमें ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।